ही गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की। बेसिकली इसको ब्लूम्स क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है। हम बात कर रहे हैं हमारी यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग की। तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ, अभी तक हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग पूरा कवर कर लिया है। उसके मैंने क्वेश्चंस की वीडियो भी अपलोड कर दी है चैनल पर। आई होप आपने वो सभी वीडियोस वॉच कर ली होंगी। अगर आपने वीडियोस वॉच नहीं करी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट पर जाकर आप सारी वीडियोज़ को वॉच कर सकते हो। ठीक है, आज हम बात करेंगे हमारे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की। ये जो है, मैं आपको बता दूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग जो है ब्लूम्स ने दिया है और गागने एंड ब्रिक्स ने दिया है। आज हम बात करेंगे ब्लूम्स के ऑब्जेक्टिव्स की, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की आज हम बात करेंगे। चैनल पर न्यू है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगी। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, तो मैं आपको बता दूं कि ब्लूम ने 3 डोमेन्स में क्लासिफाई किया है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग को। तो जैसा कि आप देख रहे हो, राइट साइड में कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। तो बेसिकली ब्लूम ने क्लासिफाई करा है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को 3 डोमेन्स में, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। तो जो कॉग्निटिव डोमेन होता है वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है, यानी कि हेड से रिलेटेड होता है। जो हमारा अफेक्टिव डोमेन होता है वो हमारे जो है हार्ट से रिलेटेड होता है, दिल से रिलेटेड होता है। बेसिकली ये इमोशनल फैक्टर है। और साइकोमोटर डोमेन जो है वो हमारे हैंड से रिलेटेड होता है, यानी कि यहाँ पर आप स्किल्स के बारे में बात करते हो। ठीक है, तो बेसिकली 3 H आपको याद रखने हैं। फर्स्ट हमारा हेड, जो कि कॉग्निटिव डोमेन से रिलेट करता है। दूसरा हमारा हार्ट, जो कि अफेक्टिव डोमेन से रिलेट करता है। थर्ड हमारा आता है हैंड, जो कि साइकोमोटर डोमेन से रिलेट करता है। सबसे पहले बात करेंगे कॉग्निटिव डोमेन की। तो जैसा कि आप देख रहे हो, कॉग्निटिव डोमेन के बारे में हमारे को क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। इट इज़ रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, कि ये जो कॉग्निटिव डोमेन है ये किससे रिलेटेड है, हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है। जैसे कि हमारी थिंकिंग, हमारी नॉलेज, ये सब डेवलप होती हैं इसके अंडर। एंड इट इज़ द कोर लर्निंग डोमेन, यानी कि ये सबसे पहला हमारा जो है कोर लर्निंग डोमेन है। नेक्स्ट हमसे ये बोला गया है द अदर डोमेन्स, जो दूसरे हमारे डोमेन है जैसे कि अफेक्टिव और साइकोमोटर, ऑल्सो रिक्वायर द कॉग्निटिव डोमेन, यानी कि उन दोनों डोमेन्स को इस वाले डोमेन यानी कि कॉग्निटिव डोमेन की जरूरत पड़ती है। ब्लूम हैज़ गिवन अस द 6 कॉम्पोनेंट इन द कंटेक्सट ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। अब कॉग्निटिव डोमेन के 6 कॉम्पोनेंट हैं जो हमें ब्लूम ने दिए हैं। अब हम उन 6 कॉम्पोनेंट्स की बात करेंगे जो कि हमारे कॉग्निटिव डोमेन में आते हैं। पहला हमारा जो आता है वो आता है नॉलेज। पहला कॉम्पोनेंट जो ये है वो है नॉलेज। नॉलेज के बारे में क्या है कि इट इज़ बेसिकली अबाउट रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन और कॉन्टेंट। इस वाले स्टेज पे आप क्या करते हो, आप रिकॉल करने की कोशिश करते हो इन्फॉर्मेशन को, या फिर जो भी आपने लर्न करा उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हो, उसको याद करने की कोशिश करते हो, है ना। ये नॉलेज से रिलेटेड हो गया। सेकेंड आपका होता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होगा, इट इज़ द एबिलिटी टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ ए मटीरियल। अब आपने जो भी मटीरियल रिकॉल करा या जो भी आपने मटीरियल लर्न करा, इस वाली स्टेज पे आप उस चीज़ को समझते हो। ठीक है, इस वाली चीज में आप इसको कॉम्प्रिहेंशन स्टेज पे आप चीज़ों को समझने लगते हो, आप अंडरस्टैंड करने लगते हो। जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है, जो भी आप सीख रहे हो, उस चीज़ को आप समझने की कोशिश करते हो, उसको हम बोलेंगे कॉम्प्रिहेंशन। थर्ड आता है एप्लीकेशन। अब आपको नॉलेज भी मिल गई, अब आपने उस चीज़ को समझ भी लिया, अब आप क्या करोगे, आप उस नॉलेज को
अप्लाई करने की कोशिश करोगे एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन का मतलब आप अपनी जो भी आपने नॉलेज सीखी समझी जो भी आपने ली उसको अब आप प्रैक्टिस करोगे, अप्लाई करने की कोशिश करोगे एप्लीकेशन स्टेज पर। फोर्थ हमारा आता है एनालिसिस। अब एनालिसिस के बारे में हमें क्या गिवन है कि यहाँ पर आप क्या करोगे, ब्रेकिंग डाउन करोगे कम्युनिकेशन को इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, पार्ट्स में डिवाइड करोगे इन सच अ मैनर दैट द रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज इज अंडरस्टूड बेटर। कि देखो फर्स्ट स्टेज में आपने क्या करा, रिकॉल करने की कोशिश करी है ना, नॉलेज ली बेसिकली। कॉम्प्रिहेंशन स्टेज में आपने क्या करा, चीज़ों को समझा। फिर थर्ड एप्लीकेशन में आपने उस चीज़ को अप्लाई करा। फोर्थ एनालिसिस में आप क्या कर रहे हो, आप पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो उस इंफॉर्मेशन को ताकि आपको और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ आ पाए। जैसे हम कहते हैं ना कि हम चीज़ों को डिवाइड कर कर के समझते हैं, उनको पार्ट्स में डिवाइड कर कर के समझते हैं ताकि हमारी जो है हम अंडरस्टूड जो है वो बेटर तरीके से कर पाए। सिंथेसिस की बात करेंगे, ये हमारा फिफ्थ कंपोनेंट या फिर फिफ्थ स्टेज बोल सकते हैं हम कॉग्निटिव डोमेन का। इसमें हमें बोला गया है इट इज़ बेसिकली अबाउट कंबाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स टू मेक इट अ होल, इट इज़ द एंटोनियम ऑफ एनालिसिस। अब यहाँ पे हमसे क्या बोला है सिंथेसिस में, देखिए एनालिसिस जो अभी हमने पढ़ा इसमें हम क्या करते थे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में डिवाइड करते थे इंफॉर्मेशन को। सिंथेसिस में हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। और यहाँ पे हमसे ये भी बोला गया है कि एनालिसिस का एंटोनियम है यानी कि उल्टा है। एनालिसिस में हम क्या करते थे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट्स में डिवाइड करते थे एक इन्फॉर्मेशन को। यहाँ पे हम क्या करेंगे, उन्हीं इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे एक साथ, उसको एक बनाएंगे यानी कि मेक इट अ होल। एक सिंथेसिस बेसिकली क्या है, कंबाइन करना इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। फिफ्थ हमारा आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हम क्या करेंगे, अब जो भी हमने ये सब किया सिक्स स्टेज में हम उसमें जो है जजमेंट करेंगे अबाउट द वैल्यू ऑफ मैथड मटीरियल फॉर पर्टिकुलर पर्पसेज। ये जो है हमारा जजमेंट का स्टेज है, यहाँ पे हम जजमेंट करेंगे इवैल्यूएशन में। तो बेसिकली आज ये सिक्स हमारे जो हैं कॉग्निटिव डोमेन के कॉम्पोनेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे हमसे कॉग्निटिव डोमेन में क्या बोला गया है कि एंडरसन एक फॉर्मर स्टूडेंट थे ब्लूम के, और डेविड क्रैथोल ने क्या करा, रीअरेंज करा इन्हीं सिक्स लेवल्स को जो अभी हमने पढ़े। कौन से सिक्स लेवल थे, पहला था नॉलेज, दूसरा था कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा क्या था हमारा एप्लीकेशन, चौथा क्या था हमारा एप्लीकेशन के बाद एनालिसिस, पांचवा क्या था सिंथेसिस, सिक्स्थ हमारा क्या था इवेल्यूएशन, ठीक है। तो ये हमें छः के छः याद रखने हैं लेवल्स। उसके बाद इन्हीं सिक्स लेवल्स को एंडरसन और डेविड ने क्या करा, रीअरेंज करा बाय मेकिंग चेंजेस। उन्होंने चेंज करा इवेल्युएशन और सिंथेसिस में, जो हमारे लास्ट के यानी कि फिफ्थ और सिक्स्थ वाला जो हमारा लेवल था ना उनमें कुछ चेंजेस लाए इन्होंने। अब वो क्या चेंजेस थे वो देख लेते हैं। पहला इन्होंने क्या कर दिया, रिमेम्बरिंग कर दिया, यानी कि जो हमारा पहला स्टेज था वो क्या था, नॉलेज था जिसमें हम इंफॉर्मेशन को रिकॉल करते थे। तो इन्होंने पहले स्टेज को अब क्या नाम दे दिया, रिमेम्बरिंग। नॉलेज को क्या नाम दे दिया, रिमेम्बरिंग, रिकॉल और रिट्राइव प्रीवियस लर्न्ड इन्फॉर्मेशन। जो भी आपने प्रीवियस लर्न करा इन्फॉर्मेशन इस स्टेज पे आप उन चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं, रिमेम्बरिंग। तो नॉलेज को यहाँ पे नाम दिया गया रिमेम्बरिंग का। सेकेंड अंडरस्टैंडिंग, तो वहाँ पे क्या था सेकेंड हमारा, कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन को क्या नाम दिया गया, अंडरस्टैंडिंग, कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड करते हैं, उनके मीनिंग को उनको ट्रांसलेट करते हैं, है ना, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते हैं यहाँ पे इस स्टेज पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। थर्ड आता है अप्लाइंग, जैसे कि एप्लीकेशन था वहाँ पर, यहाँ पे इन्होंने अप्लाइंग कर दिया। अप्लाइंग में आप क्या करोगे, यूज अ कंसेप्ट इन अ न्यू सिचुएशन। जो भी आपने कंसेप्ट सीखा अब आप उसको यूज करोगे किसी न्यू सिचुएशन में और अप्लाई करोगे जो भी आपने क्लासरूम में सीखा है ना, और सिचुएशंस में उन चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करोगे।
फोर्थ आता है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था, एनालिसिस। एनालिसिस में क्या था कि हम चीज़ों को डिवाइड करते थे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में और फिर चीज़ों को समझते थे। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ गिवन है कि यहाँ पे मटेरियल को सेपरेट किया जाता है कॉम्पोनेंट पार्ट्स में, है ना। तो बेसिकली ये सब वही है। जो चेंज आया है वो आया है फिफ्थ और सिक्स्थ में। जैसे कि हमारा फिफ्थ आता है इवेल्यूएटिंग, वहाँ पे फिफ्थ क्या था, सिंथेसिस। यहाँ पे फिफ्थ क्या है, इवेल्यूएटिंग है। यहाँ पे डायरेक्ट मतलब सिंथेसिस पॉइंट आता ही नहीं है, डायरेक्ट क्या आ जाता है, इवेल्यूएटिंग यानी कि जजमेंट वाला पॉइंट आ जाता है। और सिक्स्थ हमारा आ जाता है क्रिएटिंग। क्रिएटिंग में हमें क्या गिवन है कि बिल्ड अ स्ट्रक्चर और पैटर्न फ्रॉम डाइवर्स एलिमेंट। अब हम जो भी एलिमेंट्स हैं उसमें से एक स्ट्रक्चर बिल्ड करने करेंगे, पुट पार्ट्स टुगेदर टू फॉर्म अ होल। एक उन पार्ट्स को एक साथ लाकर एक ही फॉर्म में उसको बनाएंगे विद एम्फेसाइज ऑन क्रिएटिंग। यहाँ पर हम क्रिएटिंग पे ज़्यादा जोर देंगे, ठीक है, ताकि एक नया मतलब, एक नया स्ट्रक्चर निकल के आ सके। बेसिकली ये क्रिएटिविटी की ओर हमें लेके जा रहा है कि इस पॉइंट पे अब हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ऑल राइट, तो जैसे कि आप देख रहे हो ये हमारे हैं बेंजामिन ब्लूम, अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने ये दिया है। अब बात करेंगे इसकी हायरार्की की। तो जैसे कि आप देख रहे हो ना, अभी हमने पढ़ा लेवल वन क्या था, रिमेम्बरिंग था। लेवल रिमेम्बरिंग में आप क्या करते हो, रिकॉल करने की कोशिश करते हो फैक्ट्स को, बेसिक कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। सेकंड लेवल पर आप आइडियाज़ को एक्सप्लेन करते हो, क्योंकि आपको समझ आएगा तभी तो आप एक्सप्लेन करोगे, है ना। थर्ड स्टेज पे आप अप्लाई करोगे, जो भी आपने इंफॉर्मेशन मतलब जो भी आपने सीखा उसको आप न्यू सिचुएशन में अप्लाई करने की कोशिश करोगे ताकि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। फोर्थ स्टेज आता है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग में हम क्या करेंगे, टेक अ पार्ट इंफॉर्मेशन टू शो रिलेशनशिप कॉजेज एंड कनेक्शन, यानी कि आप उनको पार्ट्स में डिवाइड कर करके उनके बीच का रिलेशनशिप दिखाओगे और कॉजेज बताओगे कि क्या कारण है, क्या कनेक्शंस हैं इनके बीच का। लेवल फाइव में आप इवेल्यूएट करोगे, जस्टिफाई करोगे स्टैंड को, पोजीशन को, यानी कि बेसिकली जजमेंट वाला पॉइंट है ये लेवल फाइव। और लेवल सिक्स में आप कुछ नया प्रोड्यूस करोगे, क्रिएट करोगे, क्रिएटिंग जो है हमारा आता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा ये, और अपनी जो भी जिसमें भी आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं ये वाली हायरार्की उसमें बिल्कुल आपको अच्छे से मेंशन करनी है। और पूरी जितनी भी ये लिखी हुई है लेवल वन लेवल टू और इसके साइड की जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब। अब बात करेंगे हमारे अफेक्टिव डोमेन की। अब तक हमने पढ़ा कग्निटिव डोमेन, अब बात करेंगे हमारे अफेक्टिव डोमेन की। अफेक्टिव डोमेन में हमारे को क्या गिवन है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लेक्चर के कि 3H के बारे में बात करते हैं हम। कग्निटिव डोमेन जो है वो हेड से रिलेटेड होता है, अफेक्टिव डोमेन किससे रिलेटेड होता है, जल्दी जल्दी बताइए, हार्ट से रिलेटेड होता है, हमारे दिल से रिलेटेड होता है ना। तो द टर्म अफेक्ट हैज़ अ लिटररी मीनिंग ऑफ फीलिंग इमोशन एंड हैविंग प्रेफरेंस फॉर सम ऑब्जेक्ट इशू नोशन। तो बेसिकली ये जो अफेक्ट जी जो वर्ड है ये किससे रिलेटेड है, फीलिंग से रिलेटेड है, इमोशन से रिलेटेड है ना। उसके बाद जो ये अफेक्टिव डोमेन है ये किससे डील करता है, अफेक्टिव डोमेन डील्स विद एटीट्यूड मोटिवेशन। एटीट्यूड यानी कि समझ रहे हो ना आप, मोटिवेशन भी आपको पता है मीनिंग, विलिंगनेस यानी कि विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, कि आपकी इच्छा होना, इच्छा पार्टिसिपेट करने की इच्छा, विलिंगनेस। वैल्यूइंग व्हाट इज़ बीइंग लर्न्ड, उसकी वैल्यूइंग करना, अल्टीमेटली इनकॉर्पोरेट करना। अब हम इसके भी सिक्स लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमें फाइव लेवल्स गिवन है अफेक्टिव डोमेन के। पहला हमारा जो लेवल है वो क्या है, रिसीविंग। अफेक्टिव डोमेन बेसिकली क्या है, हमारे हार्ट से रिलेटेड है। तो इसमें पहला आता है रिसीविंग। इसको आप एक एग्जांपल से समझोगे, जैसे अब आप मान लो कि एक छोटा बच्चा है, ठीक है, तो छोटा बच्चा है मान लो, अभी वो जस्ट बोर्न ही हुआ है ना, थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा है वो, अब कुछ महीनों का है।
तो सबसे पहले वो क्या करेगा, रिसीव करने की कोशिश करेगा, विलिंगनेस टू लिसन, वो अपने चारों ओर के वातावरण को सुनने की कोशिश करेगा, उसके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, मतलब बेसिकली वो रिसीव करेगा, है ना, इस सबसे पहले स्टेज पे। सेकंड स्टेज पे रिस्पोंड करने की कोशिश करेगा, अब वो क्या करेगा, पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेगा, विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, अब वो रिस्पोंड करने की कोशिश करेगा छोटा बच्चा। थर्ड वैल्यूइंग, वैल्यूइंग में मतलब विलिंगनेस टू बी इन्वॉल्व्ड, अब वो क्या करेगा, इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगा धीरे धीरे, ठीक है, जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, उसका जो भी एनवायरनमेंट है उसमें वो इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगा, इच्छा जताएगा, यानी कि विलिंगनेस। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, अब वो थोड़ा है ना, इन स्टेज को पार करने के बाद वो ऑर्गेनाइज करने लगेगा, विलिंगनेस टू बी एन एडवोकेट ऑफ एन आइडिया, धीरे धीरे उसका जो है माइंड जो है वो थोड़ा डेवलप होगा, है ना, तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेगा इस स्टेज पे। लास्ट कैरेक्टराइज करने की कोशिश करेगा, विलिंगनेस टू चेंज वंस बिहेवियर और वे ऑफ लाइफ, अब वो कैरेक्टराइज करेगा कि कौन सा जो है उसको अपना बिहेवियर कैसा रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए या बुरा रखना चाहिए, वो कैरेक्टराइज करने की कोशिश करेगा इस स्टेज पर। तो बेसिकली रिसीविंग में विलिंगनेस टू लिसन आएगा, रिस्पोंड मतलब पार्टिसिपेट करने करेगा, वैल्यूइंग मतलब इन्वॉल्व होगा, ऑर्गेनाइजिंग मतलब अपने आइडियाज, जो भी उसके थॉट्स हैं, जो भी उसने सीखा, मतलब रिस्पोंड करा, पार्टिसिपेट करा, या जो भी अब उसने अपने चारों ओर के वातावरण में देखा, तो अपने माइंड में या अपने अंदर वो उन चीज़ों को क्या करने की कोशिश करेगा, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेगा। और लास्ट स्टेज कैरेक्टराइज में अब वो ये देखेगा कि कौन सा, मतलब अब उसका जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए, है ना, कैरेक्टराइज करेगा कि मतलब बुरे थॉट्स को वो अपने माइंड में नहीं रहने देगा, अच्छे थॉट्स को वो रहने देगा, है ना। अब बात करेंगे हमारे साइकोमोटर डोमेन की। साइकोमोटर डोमेन जो है वो किससे रिलेटेड है, जैसे कि मैंने आपको बताया वो है हैंड से रिलेटेड, यानी कि यहाँ पर स्किल्स के बारे में बात करेंगे। इट इज़ मेनली कंसर्न्ड विद द एक्विजिशन ऑफ टेक्निकल स्किल्स, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है साइकोमोटर। तो अब साइकोमोटर डोमेन के भी लेवल्स हैं। सबसे पहला लेवल है इसका इमिटेशन। इमिटेशन में क्या होता है, इट इंक्लूड्स द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ स्किल बाय अ स्किल्ड पर्सन एंड द लर्नर ट्राई टू फॉलो द सेम। आप इसमें क्या कर सकते हो, एक एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि आपको गाड़ी चलाना नहीं आता, आपको कार चलाना नहीं आता, है ना, तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेज जो है इमिटेशन का होगा, आप देखोगे कि कार कैसे चलाई जाती है ना, जो भी आपको सिखा रहा है ड्राइवर, उस स्किल्ड पर्सन को आप क्या करोगे, देखोगे कि वो कैसे गाड़ी चला रहा है भाई, कैसे ब्रेक लगती है, कैसे गियर क्लच वगैरह जो भी है वो सब कैसे होता है ना। तो सबसे पहले आप स्किल्ड पर्सन को देखोगे नंबर वन पे, इमिटेशन करने, फिर क्या करोगे, ट्राई टू फॉलो द सेम, फिर आप इस स्टेज पे उसी चीज़ को ट्राई करने की कोशिश करोगे। सेकंड में मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन में क्या होगा, इस स्टेज पर आप एक जो लर्नर है वो क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट ट्राई करने की कोशिश करेगा, सच एज मैनिपुलेटिंग मशीनरी इक्विपमेंट एक्सेट्रा, यानी कि अब आप एग्जाम्पल से समझो इसको, कि अब आप कार खुद से चलाने की कोशिश करोगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करोगे कि हाँ मुझे कार चलाने आई है या नहीं आई, ठीक है, अब आपने मैनिपुलेशन करा, यानी कि आपने ट्राई करा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया। फिर थर्ड आप प्रिसीजन करोगे। प्रिसीजन में मतलब आप प्रैक्टिस करोगे, मैनिपुलेशन के बाद आप प्रैक्टिस वाले स्टेज पे आओगे, अब आप गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, एक्यूरेसी आए ताकि आपकी परफॉर्मेंस में, है ना, ये तो है नहीं कि आप पहली बार चलाने लग जाओगे और आप बिल्कुल स्मूथली चलाओगे कार को, आपसे कुछ गलतियाँ भी होंगी ना। तो थर्ड स्टेज पे आपका बेसिकली क्या है, प्रैक्टिस स्टेज है, एक्यूरेट ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस में है वो एक्यूरेसी आ सके, तो वो कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा। थर्ड आता है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन में आप क्या करते हो, अचीविंग अ डिज़ायर्ड लेवल ऑफ एफिशिएंसी, मतलब आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली, अब आप आर्टिकुलेशन स्टेज पे आ गए हो, अब आप में एफिशिएंसी आ गई है गाड़ी चलाने की, है ना,
थ्रू प्रैक्टिस, जैसे कि लिखा है ना, इफेक्टिवनेस कहाँ से आई, प्रैक्टिस से आई, क्योंकि आपने बहुत प्रैक्टिस करी इसीलिए तो आपके अंदर एफिशिएंसी आई गाड़ी चलाने की, है ना। फिर नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन का क्या मतलब, इस स्टेज में क्या है कि आप बिल्कुल अब आपके लिए ये नेचुरल सी बात हो गई है गाड़ी चलाना। बेसिकली स्किल इज इंटरनलाइज्ड, अब स्किल जो है आपके अंदर बस चुकी है, अब आपको बहुत अच्छे से गाड़ी चलाने आ गई है ना। एंड एन इंडिविजुअल इज एबल टू अडेप्ट मॉडिफाई डिज़ाइन न्यू टेक्निक्स मेथड्स। तो बेसिकली मैंने तो आपको एक एग्जाम्पल गाड़ी का दिया, लेकिन यहाँ पर आप जो है काफ़ी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके, जैसे कि आपने कोई नई मशीनरी सीखी उसके बाद भाई उसको कैसे चलाते हैं या कैसे उसमें नई नई टेक्निक से आप प्रोडक्शन कर सकते हो। तो बेसिकली नेचुरलाइजेशन में हमें यही बोला गया है कि अब आपको स्किल तो आ गई है, अब आप क्या करोगे, मॉडिफाई करने लगोगे, नई नई टेक्निक डिज़ाइन करने लगोगे, मेथड प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ अ सिचुएशन। आई होप गाइस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी क्वेश्चंस के ऊपर, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पर, उसकी क्वेश्चन वाली वीडियो ज़रूर आएगी, आप ज़रूर वॉच कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी आज की, ठीक है। और वेट फॉर द न्यू वीडियो, और आप शेयर ज़रूर करिए वीडियो को, जो भी आपके जो फ्रेंड्स हैं अगर वो भी UGC नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उनको शेयर ज़रूर कर सकते हैं हमारी वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।